मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अखिल भारतीय पेंशनर दिवस के अवसर पर पेंशनर कल्याण संघ द्वारा मंडी जिला के सुंदरनगर में आयोजित राज्य स्तरीय पेंशनर दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी क्योंकि उन्होंने राज्य के विकास के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनी सेवाकाल के दौरान पेंशन धारकों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में प्रमुख भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति होने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकार को राज्य के विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम को तैयार करने में सक्रिय योगदान देते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। ये बातें जरूरी है, अपना पक्ष अपना अधिकार, ये बहुत लाजमी है। और आपने कहा कि एक जगह कौमा लगा है, कौमे को हटाना चाहिए। मैं आपके बीच में बहुत लंबी बात नहीं कह सकता और आज इस तरह की बात कहना भी नहीं चाहूंगे। मैं डूबी बात कहता हूं, जिम्मेवारी के साथ कहता हूं और फिर जो कहता हूं उसको करता हूं। ये मैंने हिमाचल प्रदेश में एक साल से कार्यकाल किया। सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की पसंद है कि आप सब लोगों ने बड़ा हट कर दिया, क्योंकि कर्मचारियों के बीच में भी हमको बहुत अलग अलग तरह के साथी मिलते हैं। कोई एक वर्ग को नेतृत्व करता है, कोई दूसरे को करता है, कोई बोलता है ये ठीक है, कोई बोलता वो ठीक है। यहां जानकारी मिली मुझे कि आप सब लोगों ने कहा कि छोड़ो, अब सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होने की बात आती है तो बहुत अच्छी बात। और अब की इस दौर में सरकार जब से बनी है हिमाचल प्रदेश में, एक नहीं अनेकों दौर ऐसे आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी बातों को छोड़ करके इकट्ठा होकर के सहयोग देने का बल बनाया कि चलना चाहिए, साथ चलना चाहिए। यह भी एक दौर है जिस दौर को हमको समझना चाहिए। बहुत चले आज से पहले, जहां चलते रहे वहां चले रहे, वहां भी जो हासिल हुआ वो भी उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन इस नए दौर में भी आप सबका सहयोग और समर्थन मुझे उस रूप में मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं आप सबके बीच में इतना अनुरोध करूंगा कि आप सबका पक्ष हमने सुना, थोड़ी बातें कुछ रही होगी। आपका कोई प्रतिनिधित्व जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, उन लोगों के साथ हम थोड़ा बैठ करके बात करेंगे और उसमें जो चीजों का जिक्र हुआ, चाहे वो 5, 10, 15 की बात कही है, चाहे वो कोमा की बात कही है, चाहे उसको जो सारी चीजों को लेकर के कैलकुलेशंस की जा रही थी कि 4.5 के लगभग पर मंथ जो है वो उसका इम्पैक्ट आएगा, लगभग साल का कोई 60-70 करोड़ रुपए के लगभग आएगा। हिमाचल की परिस्थितियां आपके सामने, मुझे आपसे छुपा नहीं सकते। एक सीधे आदमी, गांव का आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, उसको समझाने में हमको कुछ कठिनाई आती है, आप सारी चीजों को समझते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो बातें आपने रखी हैं, जो उसमें किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में जो करने की चीजें होंगी, निश्चित रूप से हम बिल्कुल सकारात्मक दृष्टि से हम विचार करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और